का इस्तेमाल पूर्णतः अवैध शराब के कारोबार में लगाया जा रहा है तब तो गाड़ी का कॉन्फिस्केशन होगा और जो प्रक्रिया है उसको हम लोग अपनाएंगे। तो हम लोग तो पूरे दल बल के साथ और पूरे मुस्तैदी के साथ आने वाले 2024 का मुकाबला करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइड लाइव, मैं हूं आपके साथ धीरेंद्र कुमार। कैबिनेट के बैठक में शराबबंदी कानून को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। पहले शराब के साथ गाड़ी पकड़ी जाती थी तो जो गाड़ी की वैल्यू होती थी उसका 50% दे करके गाड़ी छोड़ा जाता था, लेकिन अब बड़े बदलाव में कैबिनेट के बैठक में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसे लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार, पहले आप वो सुनिए। देखिए, कल कैबिनेट में जो निर्णय हुआ उसका कारण ये था कि कई बार जो वाहन है उसमें कोई व्यक्ति विशेष या उसका चालक या कंडक्टर या कोई छोटी मात्रा में अगर अवैध शराब का खेप ले जा रहा है तो उसके लिए जो गाड़ी के स्वामी हैं, मालिक हैं, उनको काफ़ी अधिक जुर्माना और क्षति पहुंचती थी। तो उसको रैशनलाइज करने के लिए, उसको उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए कि इस तरह की अगर बात होती है तो उनको ज़्यादा क्षति न पहुंचे, और साथ ही साथ लेकिन अगर गाड़ी का इस्तेमाल पूर्णतः अवैध शराब के कारोबार में लगाया जा रहा है तब तो गाड़ी का कॉन्फिस्केशन होगा और जो प्रक्रिया है उसको हम लोग अपनाएंगे, इसलिए यह संशोधन किया गया। और संशोधन भी होने वाले हैं आने वाले समय? अभी तत्काल कोई और संशोधन नहीं होने वाले हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि हम लोगों ने जो अपनी व्यवस्था है एक्साइज विभाग में और सुदृढ़ करने के लिए 5 ग्रुप सेंटर खोले हैं और हम लोग और अधिक एक्साइज के सिपाहियों की बहाली करेंगे ताकि ग्रुप सेंटर में आवश्यकता अनुसार फोर्स रहे और जहां भी ज़रूरत हो वहां उस जिले को हम लोग फोर्स मुहैया करा सके। तो दोनों तरफ हम लोग रखेंगे। ड्रोन वाले मामले में क्या हुआ अभी? देखिए, पिछले बार भी हमने बताया था कि उसका ड्रोन का तो अता पता नहीं चला और अभी जो कंपनी भी उसमें जांच कर रही है किसका ये ड्रोन था, क्योंकि आउटसोर्स था तो उसमें फाइनल निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुँचे हैं लोग, और हम समझते हैं अब थोड़ा ड्रोन को मिलना मुश्किल है, लेकिन उसका तकनीकी कारण जैसा कि हमने पिछली बारी बताया उसकी संभावना ज़्यादा लग रही है। क्या सवाल है कि एक तरफ यहाँ विपक्ष की बैठक, दूसरी तरफ बीजेपी की 5-4 रैली जो है वो बिहार में होने वाली, कैसे देखते हैं? देखिए, हर एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र है अपने कार्यक्रम को जारी रखने के लिए। तो हम लोग का जो विपक्ष की बैठक है वो तो एकजुटता है, माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान पर उनके उन्होंने ये जो बैठक बुलाई उसमें सभी नेताओं ने अपनी सहमति दी है। तो हम लोग तो पूरे दल बल के साथ और पूरे मुस्तैदी के साथ आने वाले 2024 का मुकाबला करेंगे। अन्य राजनीतिक पार्टियां स्वतंत्र हैं, अपना जो उनकी विचारधारा है या जो उनका कार्यक्रम है वो अपना रखेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से पहले शराब के साथ जब गाड़ी पकड़ी जाती थी तो गाड़ी के वैल्यू के अनुसार 50% देना होता था और अब उसको संशोधन करते हुए 10% वैल्यू देना पड़ेगा और साथ ही 5 लाख से अधिक वैल्यू नहीं देना पड़ेगा। इन तमाम संशोधन किए गए हैं शराबबंदी कानून में कैबिनेट बैठक के द्वारा। बहरहाल, इस खबर में इतना ही, और भी हमारे अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें शैडो लाइव। धन्यवाद।